नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टेस्टी और क्रिस्पी टिक्की, वो भी घर पर और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये बॉइल्ड आलू लिए हैं, इन्हें मैंने छील लिया है। और फ्रेंड्स, अब हम इन्हें घिसेंगे। ये देखिए, ग्रेटर की मदद से हम इसे इस तरह से घिस लेंगे। आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, हमें इसका बहुत ही एक बारीक टेक्सचर चाहिए। ये देखिए, इस तरह से सारे आलू मैंने घिस लिए हैं। अब फ्रेंड्स, इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी, ये देखिए इस तरह से। और इसमें अब हम मिलाएंगे आरा रोट। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं 3 चम्मच आरा रोट डाल रही हूँ। और इसमें अब थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, हमें जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें इसे गूंथना है। ये देखिए, और इसका एक डो तैयार करना है। ये देखिए, ये एक डो तैयार हो चुका है, इसे हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने ये देखिए चने की दाल को मैंने भिगो लिया है 2-3 घंटे के लिए। इसका मैं पानी निकाल लूँगी, और तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसमें ये मैं दाल डालूँगी और इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसे भून लेंगे, इसे चलाते रहें अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, और इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे हम अच्छी तरह से। इसे 2 से 3 मिनट तक हमें चलाना है बस, और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी हमारी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दाल भुन चुकी है। अब फ्रेंड्स, ये जो मैंने आलू का डो तैयार किया था, इसमें के लिए मैंने हाथों में ऑयल लगा लिया है। और जिस तरह से हम आटे की लोई लेते हैं, इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा आलू लिया है, और इसे मैं राउंड राउंड इस तरह से करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको मैं इस तरह से इसमें थोड़ा सा स्पेस बना के, ये जो मैंने दाल भुनी थी इसकी मैं इसके अंदर स्टफिंग करूँगी। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी सी मैं डालूँगी इसको, और इसे इस तरह से बंद कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे दोबारा मैं इस तरह से राउंड शेप में कर लूँगी दोनों हाथों की मदद से। ये देखिए, ये टिक्की बन चुकी है। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा आरा रोट लगाऊँगी दोनों तरफ, जिससे कि ये चिपकेगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी हमारी टिक्की बनेगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने आरा रोट से इसे अच्छी तरह से कोट कर लिया है, और ये टिक्की हमारी बनकर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार है। तो इसी प्रोसीजर से मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब फ्रेंड्स, ये देखिए तवा हमारा, इसमें ऑयल गरम हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। इसमें इस तरह से हम टिक्की रखेंगे। ये देखिए, मैं 3 ही टिक्की रखूँगी इसमें, क्योंकि टिक्कियों का साइज़ थोड़ा बड़ा है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें आप, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने दें। अब फ्रेंड्स, मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, नीचे से पक चुकी हैं, इसे हम पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इन्हें पलट ले टिक्कियों को। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ से भी इन्हें पकने दें अच्छी तरह से। और ये हमारी क्रिस्पी टिक्की एकदम बनकर बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब फ्रेंड्स, इन्हें मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, टिश्यू पेपर पर मैं इन्हें एक प्लेट के ऊपर निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और सेम प्रोसीजर से मैंने ये और भी टिक्कियाँ अपनी तैयार कर ली हैं। ये देखिए, इस तरह से ये टिक्कियाँ भी हमारी पक चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये बनकर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये देखिए, एक प्लेट में मैंने 2 टिक्की रखी है, इन्हें तोड़ लूँगी मैं अच्छी तरह से। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी, ये देखिए। अब फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी मूली घिस के रखी है, जो मैं इसके ऊपर डाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये ऑप्शनल है। और फ्रेंड्स, मैंने दही को देखिए अच्छी तरह से फैट लिया है, ये मैं इसमें डाल लूँगी। अगर आपको पसंद है तभी आप दही डालें। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी होती है इससे। और फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं ऊपर से, और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्ची डालेंगे। और फ्रेंड्स, अब ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, ये मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी। ये देखिए, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब ये हरी चटनी है, जो मैंने धनिया और मूंगफली की बनाई है, ये मैं इसमें डालूँगी। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ी सी लाल चटनी और स्प्रेड करूँगी ऊपर से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी टिक्की बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से बनकर खाने के लिए। और मैं तो इसे गर्मा गर्म इन्जॉय करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
और मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने सजेशन मेरे साथ शेयर करें। टिल देन बाय बाय।